नंदिता कुडेशा, कैंपस कॉलिंग में आपका स्वागत है। कई स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि 12th क्लास के बाद क्या करें, कौन सी फील्ड चुने, किस तरह से डिसाइड करें अपना करियर। और आपकी इसी परेशानी को हल करने के लिए हम लाए हैं हमारा खास कार्यक्रम कैंपस कॉलिंग, जिसमें हर वीकेंड हम आपको बताएंगे एक फील्ड के बारे में, जानेंगे एक्सपर्ट से कैसे चुने अपना भविष्य। आज का सफर शुरू करने से पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। तो कैंपस कॉलिंग में आज हम बात करेंगे आईटी और एनिमेशन फील्ड की, क्या खासियत है इस कोर्स की और कैसे इसे परस्यू करें, देखिए इस रिपोर्ट में। आजकल जमाना है आधुनिकीकरण का, जमाना है तकनीकी विकास का, और इस विकास की जड़ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, जैसे जैसे बढ़ रहा है कंप्यूटर का उपयोग, वैसे ही बढ़ती जा रही है आईटी सेक्टर में लोगों की डिमांड भी, साथ ही लोगों का रुझान भी इस फील्ड की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। आईटी सेक्टर में प्रोफेशनल्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। पूरी दुनिया मानो एक छोटे से डिब्बे में कंप्यूटर में आके सिमट चुकी है, बात चाहे शॉपिंग की हो या फिर ऑनलाइन बिल पेमेंट्स की, सब कुछ कंप्यूटर के जरिए ही किया जा रहा है। आईटी एक ऐसी फील्ड है जो लगातार बढ़ रही है, तकनीकी विकास से सीधा संबंध होने के कारण युवाओं का रुझान भी इसकी तरफ बढ़ा है। इस फील्ड में हर उस इंसान के लिए नौकरी के अवसर मौजूद हैं जिसके पास इसकी सही तालीम और ट्रेनिंग मौजूद है। इसका स्कोप बहुत ही वाइड है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर MCA या BCA कोई ऐसा कोर्स करते हैं तो सबसे बड़ा तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ही बहुत ज़्यादा जॉब्स निकलते हैं। उसके अलावा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, फिर ग्राफिक डिज़ाइन में जा सकते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन में जा सकते हैं, और यही नहीं खुद का मतलब दे कैन बी एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आईटी सेक्टर में प्रवेश करने के लिए 12वीं में आपके पास मैथ्स के साथ फिजिक्स या केमिस्ट्री होना जरूरी है। इसी फील्ड में एक बैचलर डिग्री होना काफी आवश्यक होता है। आप 12वीं के बाद BE या BTEC का कोर्स कर सकते हैं। अगर आप IIT में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको IIT-Z की प्रवेश परीक्षा देनी होगी। इस कोर्स के लिए IIT देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा कई प्राइवेट संस्थान जैसे शारदा यूनिवर्सिटी, जिम्स और अमेठी में भी इस तरह का कोर्स उपलब्ध है। इस फील्ड में आपके पास कई ऑप्शंस हैं। आप कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च साइंटिस्ट, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जैसे किसी भी चीज में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेशलाइज डिग्री है तो आप कमा सकते हैं मोटी सैलरी। वैसे अगर आप कॉल सेंटर में काम करना चाहते हैं तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं, कंपनी खुद ब खुद आपको पर्याप्त ट्रेनिंग देगी। लेकिन आजकल युवाओं के बीच जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है वो है एनिमेशन का फील्ड। फिल्म और टेलीविजन के बढ़ते प्रचलन ने एनिमेशन को बना दिया है बेहद ही लोकप्रिय फील्ड। इसमें है ढेर सारा पैसा और अपनी रचनात्मक कला को उभारने का मौका भी। भारतीय बाजार में 2D और 3D एनिमेशन का स्कोप काफी ज्यादा है। इसके अलावा स्पेशल इफेक्ट्स की भी डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में स्पेशलाइज कोर्स करने वालों के लिए नौकरी के अवसर खूब हैं। ये कोर्स करने के लिए आपको क्रिएटिव होने के साथ ही ड्राइंग और स्केचिंग भी आना जरूरी है। आप विजुअल कम्युनिकेशन और डिजाइन प्रोग्राम भी सीख सकते हैं। आज ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें एनिमेशन यूज ना होता हो, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो एंटरटेनमेंट है, इंफोटेनमेंट है, आईटी है, मैनेजमेंट की स्किल्स हैं, हर जगह हम कुछ भी देखते हैं। एंटरटेनमेंट में अगेन जब हम बात करते हैं, चाहे आप कोई सीरियल देख लीजिए, ऐड देख लीजिए, कमर्शियल देखिए, फिल्म देखिए, प्रोमोज देखिए, हर जगह एनिमेशन का यूज है। ये कोर्स करने के लिए आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट, अरीना आर्ट एकेडमी को भी चुन सकते हैं। तो अगर आप भी तकनीकी विकास में रुचि रखते हैं और आधुनिकीकरण के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं तो ये IT सेक्टर आपका इंतजार कर रहा है। साक्षी खन्ना, IBN 7।